की जरूरत है उनको मनाया जाए। वो उनका अपना पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, अपने मुख्यमंत्री की उनके संगठन की किस किस को मनाने आते हैं, लेकिन देवेंद्र चावला वापस नहीं जाएगा, ये पक्का है, पत्थर की लकीर। तो इस्तीफा दिया उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं से 5 मिनट लेट आने की क्षमा चाहता हूँ, और आपने मेरे छोटे से बुलावे पे इतने सारे मेरे मित्र पुराने पुराने साथी सारे पहुँचे, आपका सबका धन्यवाद। मैंने बहुत सोच विचार के, काफ़ी सोच विचार हुआ, परिवार में मंथना हुई, और हमें इस निश्चय में पहुँचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य से और जो उन्होंने मुझे दायित्व दे रखा है, जो प्रभार दे रखा है, उस सब से मैं आज इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे के पार्टी के संगठन मंत्री को, प्रदेश कार्यालय को, और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सैनी जी को, चारों को आपके सामने साइन करके अभी ये मेल होकर चली जाएगी। आज के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पर नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या उसका प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। कारण क्या है? देखिए, कारण आम अभी मैं देख रहा था कल से परसों से, एक ही रोष है कि जो उन्होंने टिकट का वितरण किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर भी मैंने देखा है, कोई कॉमन मेमोरी कमेटी बनी है, कुछ ऐसा विरोध भी मैंने सुना शहरों में। मुझे लगा जो वितरण हुआ है वो जनता की आवाज़ के मुताबिक नहीं हुआ, किसी इनके सर्वे के मुताबिक नहीं हुआ, और उन्होंने जो टिकट वितरण किया वो लोगों की इच्छा अनुसार नहीं हुआ। आपका रिजाइन था, उधर 51 मेंबरी कमेटी थी, किस बात को लेकर मंथन हो रहा था उनका भी? किसका? मुझे उनकी जानकारी नहीं, मैंने तो टीवी में देखा, आपके चैनल में देखा कि कोई 51 मेंबरी कमेटी बनी है, काफ़ी सारे बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो ऐसा करके पार्टी के मंथन सा कर रहे हैं, और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि वो कि उन्हें भी लगता था कि कोई चुनाव इस बार चेंज आएगी 30 साल से आगे कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी मेरा कोई किसी तरह की कोई पार्टी ज्वाइन का, मैं अभी सिर्फ इस भार मुक्त से मैंने जो मंथन अपने परिवार में किया उनका यही था कि आप इस पदभार से मुक्त हो जाएं, और भैया बिना पदभार के भी तो आपका मित्र रहूँगा। मैं पार्टी भी छोड़ दी, पद भी छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी से बाहर हूँ। सर आप टिकट को लेकर सवाल उठाएंगे? टिकट मैंने नहीं उठाया, शहर की आवाज़ ने उठाया, शहर के मेरे पास 2-3 दिन हो गए, आज 3 दिन के अंदर जितने भी लोग मेरे पास लगातार मेरा फोन 24 घंटे में 12-15 घंटे बंद नहीं होता, बहुत सारे हजारों साथी हजारों लोगों की आवाज़ें आई चावला जी कि जो शहर को ये लगता था कि इस बार चुनाव में नया चेहरा आएगा और लोग चाहते थे किसी को भी मिलता। कौन हो सर आपकी नज़र बेस्ट कैंडिडेट कौन? देखिए यहाँ हमारे यहाँ 11 लोग हैं, उस 11 लोगों में किसी उनका सबका एक ही मत था कि इस बार चुनाव जो है वो चेहरा बदलना चाहिए, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े हमारे पार्टी की जो पहले भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं अभी से 10 मिनट पहले तक सदस्य था, उनके पास बड़े बड़े पुराने लोग जिन लोगों ने अपना खून पसीने की सच्चाई से किया, और मुझे 2 साल में उनके बंदर 30/9/2022 को मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। तो सर क्या खुद को टिकट ना मिलने से भी निराशा है? नहीं, मेरे को ये लगा कि लोगों को जो मुझसे उम्मीदें थी या लोगों को उम्मीद बहुत सारी थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे काय का इनका चल रहा था कि सर्वे है और पार्टी से काम लेना है, लेके गए हैं और क्या आते रहे हैं, तो मैंने ये मंथन करके कि मुझे अब इसका प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहना है, मुझे इनके किसी पद के ऊपर पार्टी के सदस्य से भी मैं आज बाहर। जनता उनका भी विरोध कर रही है? जी, प्रत्याशी को भी टिकट दी गई है, जनता उसका भी विरोध कर रही है। वो नज़र उनके पार्टी का अंदर भी मैंने देखा है काफ़ी सारा विरोध, 3-4 मीटिंगें 4-4 मीटिंगें व्हाट्सएप आ रहे हैं, मुझे जब पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है तो जनता में तो आज कोई उत्साह नजर नहीं आया। सर पिछले 7 प्लान हो सकती है, 7 प्लान से सर लगातार घनश्याम दास अरोड़ा को टिकट दिया जा रहा है, मतलब मान लो लगभग 35 साल से, तो क्या और प्रत्याशी नहीं नजर आता भाजपा को कोई? देखिए इसी बात का लोगों में पब्लिक में समाज में एक रोष था कि भारतीय जनता पार्टी के पास नए और पुराने चेहरे बहुत सारे थे जो सेवा करना चाहते, जिनके
दामन पाक साफ और बढ़िया शहर के अंदर जो अपना मौजूद रखते हैं उन लोगों को आगे आके आना चाहिए था। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार काफ़ी चुनाव में चेहरा नया आएगा और चुनाव में एक बड़ा भारी जोश सा नज़र आता था। आपने देखा होगा कि इस के बाद बहुत ज़्यादा शहर में जोश आपको नज़र नहीं आया। सर क्या शहर में भी मायूसी है, उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ। दस साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को 14 में पहली बार इंडिपेंडेंट पार्टी बनकर आई। उससे पहले हमेशा बैसाखियों पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही, पहली बार अपने दम पर आई और 10 साल उन्होंने इसका राज किया। 10 साल के अंदर दोनों बार ही भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम दास जी अरोड़ा, जो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से 50 साल से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी कदावर नेता श्रीमती कमला वर्मा जी का मौजूदा रहते हुए भी उनका टिकट काट के इनको दिया गया कि हम मौजूद में चेहरा चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद 3 चुनाव लगातार वो हारे। 2009 में मैंने चुनाव लड़ा था, उस टाइम की जमानत जब्त की हुई थी और उसके बाद उनको एक चुनाव मिला, बहुत बड़ी तादाद से वोटों से वो जीते। दूसरे चुनाव में उनका लगा, बहुत कम वोटों से वो जीते। तो लोगों को आशा थी कि इस पर भारतीय जनता पार्टी एक जैसे रूटीन था, उन्होंने इनको मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर से कि एक नए चेहरे को मौका देंगे जो चेहरा नहीं आया। इस करके मेरे को अलावा शहर सारे में जो एक चर्चाएँ थी पार्टी के अंदर नया चेहरा आया था नहीं आया, तो मुझे लगा कि ये एक शहर के साथ, शहर के लोगों की मन मर्जी के साथ, शहर के उनके बड़े बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ठीक नहीं लगा, तो मुझे वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना। मैं सामाजिक जीवन मेरा राजनीतिक जीवन के साथ साथ बहुत बड़ा सामाजिक जीवन भी मेरा है और मैं लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। तो मैं अभी तक तो यही कि भारतीय छोड़ के भी मैं आप लोगों की शहर की सेवा कर सकता हूँ। तो सर क्या लगता है कि कांग्रेस आज मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर के अंदर जी हां दर्शकों, हल्का से डोरा खंड बिलासपुर के अंदर और दर्शकों जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो है टिकटों का बंटवारा आपको पता है कि हो चुका है हल्का डोरे के अंदर और दर्शकों जैसा कि आपको कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि टिकटों का बंटवारा होने के साथ साथ जो है पार्टियों के अंदर जो है उतला पुतली जो है होनी शुरू हो चुकी है और अभी यहां पर हल्का बिलासपुर के अंदर हल्का से डोरा के अंदर बिलासपुर से भी आपको आप सबसे बड़ी जो अपडेट आपको देने जा रहा हूँ जी हाँ दर्शकों, हल्का डोरा बिलासपुर से जी हाँ खंड बिलासपुर से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है दाताराम जी की तरफ से जो है चौधरी दाताराम जी की तरफ से आपको देने जा रहा हूँ जी हाँ दर्शकों, कई दिनों से जो है कवायद चल रही थी, कई दिनों से जो है कसमकस चल रही थी एक टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो इसमें आज आपको पता है कि बीजेपी पार्टी से जो है बलवंत जी को टिकट मिल चुका है, लेकिन एक तरफ जो है बलवंत जी को टिकट मिला है लेकिन दूसरी तरफ जो है दाताराम जी की टीम में उनके ग्रुप में जो है उथला पुथली हो चुकी है। सभी बातों का जायजा लेंगे, सभी बातचीत करेंगे। अभी मैं मौजूद है यहाँ पर अम्बेडकर भवन बिलासपुर के अंदर, हमारे सामने आप देख सकते हैं जनसमूह और दाताराम जी के साथ जो है अन्य टीम के जो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ रणनीति लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या कुछ पार्टी की और इनके ग्रुप की जो है नीति रहेगी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X भारतीय जनता पार्टी कई पदों पर काम किया। बिल्कुल सर, और मैं लगभग सबसे पहले 1982 में बूथ का एजेंट बना था चौधरी बाग में और उसके बाद मैंने कई पदों पर काम किया, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। लेकिन अब की बार कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण में जो असंतोष हुआ जी, तो कार्यकर्ता कई रोज से यह मांग कर रहे थे कि बैठक के बाद करो जी। तो आज कार्यकर्ताओं ने समय रखा था जी। और कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श से जी, हमने आज पार्टी की सभी पदों और प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दे दिया है जी। आगामी निर्णय हमारे कार्यकर्ताओं ने छोटी टोली बनाई है जी। वो छोटी टोली जो भी निर्णय लेगी, चाहे वह चुनाव लड़ने का ले, चाहे किसी दल का समर्थन करने का ले जी, जो भी निर्णय वो टोली लेगी हम उसके निर्णय को मानते हुए जी भविष्य की रणनीति तय करेंगे। तो क्या कुछ लगता है कि बलवंत साहब को जो है टिकट मिला है उधर से, क्या रणनीति क्या कुछ उसमें रहेगा, कि आपके क्या विचार रहेंगे उसमें कि उनका साथ देना है या नहीं देना है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब पार्टी का हमने त्याग पत्र दे दिया है तो हमारी जो टोली तय करेगी उसके बाद निर्णय होगा जी। जब पार्टी को हमने अलविदा कह दिया तो पार्टी का समर्थन करने का क्या मतलब? सबसे पुराने जो है यहाँ पर कार्यकर्ता रहे हैं, कभी आपके मन में जैसे आप जो आपके मन में जो है हीन भावना से ग्रसित हुए हैं और आपको पार्टी ने जो है अनदेखा किया है, कभी ये जो है विचार आपके क्या पहले से ही पता चले थे आपको या फिर आपको अभी पता चला कि भी मुझे पार्टी से रिजाइन देना चाहिए? देखिए, पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से चलती है। बिल्कुल सर,
और जो कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं पार्टी में क्या करूंगा। सभी कार्यकर्ताओं का यही निर्णय था कि जब पार्टी हमारी अनदेखी कर रही है पिछले 10 साल में भी अनदेखी हुई है जी, तो उनकी सहमति से हमने फिर जो ने निर्णय लिया पार्टी छोड़ दो जी, हमने पार्टी उधर को आप देख सकते हैं कि चौधरी दाता राम जी ने, अरे भैया भाजपा का कोई कार्यकर्ता रूठता नहीं है, अपने मन की बात रखता है। कई बार हमारे मित्र उसको जो हमारे विरोधी हैं, मैं तो उनको भी अपना मित्र मानता हूँ, वो इसको हवा दे देते हैं और बात आगे चल निकलती है। कोई रूठा हुआ कार्यकर्ता नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात सुन ली और सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान खड़ा करें। विधायक किसी प्रकार की भी कोई बगावत नहीं है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और जिस स्थान पर बात कहनी चाहिए हमारा कार्यकर्ता वहीं बात करता है। और हमारी पार्टी में मतभेद तो कहीं हो सकते हैं, कहीं भी मनभेद नहीं है, जो संगठन ने निर्णय कर लिया उसको सब स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है पार्टी के ये जो कह रहे हैं कि हमने विधायक का चुनाव लड़ना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सब कल्पना की बातें हैं, धरातल पर इन बातों को कोई भी अपना बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं उतारेगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता एक विचार से बंधा हुआ है और वो विचार है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, समाज की सेवा करने का। और हमारा कार्यकर्ता कहता है सेवा ही संगठन है, तो अल्टीमेटली कार्यकर्ता जो अनेक वर्षों से लगा हुआ है वो इन्हीं बातों को का अनुसरण करेगा। ऐसा अतीत में भी होता रहा है, वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा। विधायक जी,